सच्चे सुहागन की हुई जीत, सौरा को मिला नया जीवन दान, कोयल और ध्वनि की हुई हार। जी हाँ, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक तरफ कोयल के कारण सौरा को जिंदा जलाया जा रहा होगा, ऐसे में पंडित जी वेदांत से कहेंगे कि वो मुखाग्नि कर दे, लेकिन वेदांत वहां से भाग जाएंगे और महादेव की पूजा होते देखकर कहेंगे कि आज के बाद से नाग पंचमी की पूजा उनके घर में नहीं होगी। साथ ही वो दिया को भी बुझाने जाएंगे, लेकिन तभी वहां पर आ पहुंचेगा सपेरा, जो वेदांत को बताएगा कि किस तरह उन्होंने उनकी सारी बात सुन ली है और उन्हें वो सांप भी मिल चुका है जिस सांप ने सौरा को काटा था। और ये सांप कोई मामूली सांप नहीं है, इसके काटने से इंसान 4-5 घंटे जिंदा तो रहता है लेकिन उसे लफवा मार जाता है, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जबकि दूसरी तरफ कोयल की बातों में आकर श्लोक अपने ही बहन के चिता पर आग लगाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी बहन जिंदा है। लेकिन वेदांत किसी की नहीं सुनेंगे, सौरा को चिता से उठाएंगे और आ पहुंचेंगे सपेरे के पास, जहां पर सौरा को दवाई तो दी जाएगी, लेकिन सौरा होश में ना आने पर वेदांत काफी ज्यादा परेशान होंगे। जबकि दूसरे मान लेंगे कि सौरा की मौत हो चुकी है, लेकिन तभी होगा चमत्कार, सौरा खुलेंगी अपनी आंखें, पिलाया जाएगा उन्हें पानी। हालांकि ये देखकर जहां सौरा के परिवार वाले खुश नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कोयल और ध्वनि को लगेगा शौक। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल पर नजर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।